अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा भगवान परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश किए जाने के संबंध में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। साथ ही एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा गया। ज्ञापन के माध्यम से अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने यह मांग उठाई कि समाज में पूज्य भगवान परशुराम जी की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। ज्ञापन के माध्यम से यह भी कहा गया कि भगवान परशुराम जयंती पर गत अनेक वर्षों से सार्वजनिक अवकाश रहता था, परंतु पिछले वर्ष ही यह रद्द कर दिया गया है, जिससे ब्राह्मण समाज अपने भगवान की पूजा अर्चना विधि विधान से नहीं कर पा रहा है। इसलिए ब्राह्मण समाज आपसे यह मांग करता है कि अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाएं, ताकि ब्राह्मण समाज भगवान परशुराम जयंती धूमधाम से मना सके। ज्ञापन देने वालों में धवल दीक्षित, शरद शर्मा, प्रदीप शर्मा, आशुतोष शर्मा, शरद कौशिक, सुशील कुमार शर्मा, अभिषेक शर्मा, अनिमेश शर्मा, अमित शर्मा आदि ब्राह्मण समाज से संबंधित लोग मौजूद थे। श्याम मोहन पंडित एडवोकेट जी, किस मामले को आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा महानगर मुरादाबाद माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रही है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है, विगत अनेक वर्षों से भगवान परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित था, परंतु पिछले दो वर्षों से इस सरकार ने अन्य अवकाश रद्द किए, उसके साथ ही भगवान परशुराम जयंती पर अक्षय तृतीया पर अवकाश रद्द किया, परंतु और सब अवकाश बहाल हो गए, लेकिन भगवान परशुराम जयंती अक्षय तृतीया का अवकाश बहाल नहीं हुआ है। भगवान परशुराम जयंती